नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अरविंद सुमन, ईएस मैथ्स अकेडमी देवास से। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसी ही चीज़ बताने जा रहा हूं, एक ऐसा ही क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं जो आपके दिल और दिमाग में हमेशा ही एक सवाल खटकता रहता होगा। अभी तक आपने सुना होगा, क्वेश्चन सुना होगा, लेकिन आपने सोचा नहीं होगा। यदि आपने सोचा भी होगा तो दोस्तों उस पर यकीन नहीं किया होगा। ये मेरा दावा है कि आप अभी भी यकीन नहीं करने को तैयार होंगे कि मैं आपको ऐसे कैसे बोल सकता हूं। लेकिन ये मेरा भरोसा है और मेरा मानना है कि यदि आपको कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल से पॉसिबल बनाना है तो उसके लिए अपनी सोच को पॉजिटिव बनाना होगा, अपनी थिंकिंग को पॉजिटिव बनाना होगा, अपने नज़रिए को पॉजिटिव बनाना होगा, अपनी मेहनत को पॉजिटिव बनाना होगा, तो दुनिया की कोई भी शक्ति इसको रोक नहीं सकती और सारे इम्पॉसिबल चीज़ें वो पॉसिबल होगी आपके कदमों में। तो देखते रहिएगा ये मेरा वीडियो लास्ट तक, और मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूँ मैथ्स के अंदर जो आपने अभी तक सच में नहीं सोचा होगा। आप हैरान रह जाएंगे कि वाकई में ऐसा होता था या होता है। आपने अभी तक सुना होगा कि 2+2 4 होते हैं, ये आपने सुना था। लेकिन आपने कभी ये सुना था कि 2+2 = 5 होते हैं, ये आपने नहीं सुना था, क्योंकि आपने कभी सोचा ही नहीं इसके बारे में। आपने इसके बारे में कभी सोचा ही नहीं, आपने सिर्फ लिमिटेड सोचा है। आपने अपनी सोच को बांध के रखा था कि 2+2 4 ही होता है, जिसने बोल दिया वो 4 ही होगा। लेकिन दोस्त आपको अपनी सोच को इस दायरे से निकलना होगा, तभी जब आपको पता चलेगा कि 2+2 5 होते हैं। 2+2 5 की बात नहीं है, 3+3 भी ऐड करोगे तभी 7 होंगे, और 4+4 ऐड करोगे तभी भी 9 होंगे, और 5+5 = 11 भी हो सकते हैं। तो देखिएगा मैं आपको बताता हूँ कि इसके प्रश्न जो बनता है, प्रश्न ये बनता है कि 2+2 = 4 डज नॉट इक्वल्स टू 4। जैसे मैं बोलूँ 4 = मुझे लाना है 5, मैं आपसे बोल रहा हूँ 4 यानी 2+2 = 5 होगा, 2+2 = 5 होगा, तो वो कैसे होगा देखिएगा। मैं लिख लूँ दोस्त यहाँ पे 4 = 5, इधर पे लिख दूंगा बोथ साइड 9/2 माइनस, बोथ साइड से 9/2 माइनस कर दूँ, 4 - 9/2 = 5 - 9/2। क्लियर? इसमें हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2 इसका एलसीएम होगा, 2 इसका एलसीएम होगा, 2 4 जा इधर पे 8 होगा, माइनस का 9/2 इक्वल में 2 5 जा 10 माइनस का 9/2। अब इधर मैं आपको एक लॉजिक की बात करना चाहूँगा। आपको याद होगा कि आपने ट्रिग्नोमेट्री में कभी ऐसा सुना था, ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है कि जब LHS = RHS होता है, जब LHS = RHS, ये चीज़ आपने सुनी थी, आप इस पर भरोसा करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में कोई भी चीज़ लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड आ जाती है तो वो चीज़ उसके इक्वल होती है। ठीक, तो मैं इसमें से क्या करूँगा, -1/2 = 1/2। अब क्या कर दूँ इसमें, मैं बोथ साइड स्क्वायर कर दूंगा, बोथ साइड स्क्वायर करूंगा तो -1/2 = 1/2। ये क्या मिलेगा हमें, 1/4 = 1/4। दोस्तों मिल गया आपको लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अब ये बात वही समझ पाए होंगे जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी हुई, क्योंकि आपको पता है, जहाँ याद रखना है दोस्तों, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, एक लॉजिक की बात है कि जहाँ पर ट्री होता है वो बहुत तकलीफ वाले सब्जेक्ट होते हैं, कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ये चीज़ें बहुत खतरनाक होती हैं। तो मैं जैसे बोलूँगा अपनी साधारण बातों में कि केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री बड़ी बेवफा और शाम के पड़ी सुबह हो गई सफा। तो इसलिए प्लीज़ इसको प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस। तो याद हो गया, आपको पता होगा कि 2+2 = 5 होगा, 3+3 = 7 होगा, 4+4 = 9 होगा।
ठीक। तो जब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, आपका दोस्त अरविंद। और इस वीडियो को देखिए और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए, लाइक ज़रूर कीजिए, जिससे मैं आपको आगे की वीडियो भी दे सकूं और आपके लाइक से एक मेरा कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होता है। मुझे समझ आता है कि आप लोगों मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। कमेंट भी कीजिए मेरे वीडियो को, यदि आपको लग रहा है कि अच्छे नहीं है तो मुझे सजेस्ट भी कीजिए, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उसमें इम्प्रूवमेंट करने का, क्योंकि ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट करना ही सीखना है, लर्निंग है। लर्निंग नहीं करोगे तो दुनिया में आगे कैसे बढ़ोगे? आगे बढ़ना है तो लर्न करना ही पड़ेगा। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।